आज के ब्लॉग की शुरुआत सीधा हो रही है छोले भटूरे से, और साथ में है मेरे मिस पल्लू, पल्लू जोशी। ये भी कल ही वापस आई है अपने शूट्स को लेकर, ये घूम रही थी बाहर, तो ये कल पहुंची है। तो देखो इसे, आज अभी जा रहे हैं हम लोग, इसकी फिटिंग है कहीं पे। तो वैसे मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही बिल्कुल भी जाने की, बहुत दिनों के बाद मैंने खाया है खाना। तो इतने दिनों से क्या खा रही थी? इतने दिनों से बस ऐसा ही खाना था, ये बाहर का खाना पाव भाजी है। तो अब इसकी फिटिंग है, इसकी फिटिंग वैसे हिम्मत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा थकावट है, पैरों में भी दर्द है, लेकिन फिर भी जाऊँगा मैं, इसके साथ जाना है मुझे। तो मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ आज, आज लास्ट डे है, हल्दीराम के छोले भटूरे। तो कल से शुरू करेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब ठीक होंगे, तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज अभी मैं आ रखा हूँ नोएडा, क्योंकि पल्लवी की फिटिंग थी, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था जब हम घर पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो अभी बस नोएडा आया हूँ मैं, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अभी फिटिंग के लिए गई हुई अंदर। तो मुझे कह रही थी कि तुम भी चलो, मैंने मना किया, मैंने कहा मैं तब तक अपना ब्लॉग शूट करता हूँ। तो नोएडा आया है, तो बस अभी वो फिटिंग करके आएगी, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। आज का थोड़ा सा प्लान है कि कहीं डिनर पे जाए हम, थोड़ा बाहर का खाएंगे, क्योंकि उसके बाद कल से फिर से जिम जाना है। तो गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल खाली फैशन शोज़ फैशन नहीं दिखाता है, मैं कंप्लीट अपना लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, जो मेरी लाइफ में होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस चैनल को वो कह सकते हो कि मेरा जो कंटेंट है वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, एकदम रियल है, कोई फेक नहीं होता, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो चल रहा है वही दिखाता हूँ मैं। हाँ, कभी कभी बोरिंग भी हो सकता है, अभी गाड़ी में बैठे बैठे भी बोर हो गया, थोड़ा बाहर चलते हैं। एक्चुअली कल क्या हुआ यार, मैंने अपने माइक्रोफोन तो मेरे पास है, लेकिन उसमें जो क्या कहते हैं उसे, ट्रांसमीटर होता ना, ट्रांसमीटर में एक केबल लगती है छोटी सी, जो कि फ़ोन को कनेक्ट करती है। तो यार वो कल शो पे खो गई मुझसे, मुझे याद नहीं है कहाँ गई या कहाँ रख दी मैंने। तो चलो आज मुझे वो ख़रीदनी पड़ेगी। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आप सभी के प्यार की वजह से आप लोगों ने मतलब 4-5 महीने के अंदर ही मेरा चैनल सब मोनेटाइज करवा दिया। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, अभी 4 दिन हो गए, जिस दिन मेरा फिटिंग का पहला दिन था, 5-6 दिन हो गए, उस दिन चैनल मोनेटाइज हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसा ही प्यार बनाए रखो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ आपके सपोर्ट के बिना, है ना। थंबनेल आपने देखा होगा, उसमें लिखा था मैंने कि चैनल मोनेटाइज हो गया, सच में हो गया मोनेटाइज। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, क्योंकि यार इससे ना और हिम्मत मिलती है कि नहीं, मैं आपके लिए और फ्रेश कंटेंट लाता रहूं और अपना रियल लाइफ के बारे में आपको बताता रहूं। मैं यार दूसरा तीसरा घर देख रहा हूं, देखो वहां पे कपड़े सूट्स वगैरह डाल रहे हैं गाड़ी में, तीसरा घर देख रहा हूं, तीसरा घर जहां पे लोग बहुत सारे कपड़े लेकर मतलब शूट के लिए जा रहे हैं। कितने डिजाइनर रहते हैं यार नोएडा में। तो गाइस पल्लवी को पता नहीं कितना टाइम लगेगा आने में, मैं सोच रहा हूँ यार कि तब तक पार्क में घूमते, धूप है लेकिन कोई बात नहीं। देखो, और जैसा कि लास्ट शो मैंने GICW के लिए किया था, मतलब वो 5 दिन बहुत अच्छे गए, बहुत मज़ा आया। तो मैं पूरी टीम GICW की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पेशली अपने सत्या भाई, थैंक यू सो मच भाई GICW का पार्ट बनाने के लिए, श्याम भाई, लोकेश भाई, अलुबना मैम, जेम्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और बाकी अपने सारे मॉडल्स भाई, बहुत ही मज़ा आया था शो पे। तो थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, बाकी आपसे मिलते रहेंगे और शो करते रहेंगे हम। ओके यार, इसको देखकर याद आ रही है, मैं पहले जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैं रहता था 50 सेक्टर में, तो वहाँ पे भी ऐसा ही सेम पार्क था। यहाँ अंदर गर्मी नहीं होती, नहीं क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ना, देखो कितना मस्त मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मतलब पूरा। तो एक चक्कर पूरा लगा दिया मैंने अंदर पार्क का, बहुत ही सुंदर पार्क है यार, बहुत साफ सुथरा, बहुत ही साफ, काफ़ी लोग भी हैं अंदर। तो चलो बैठता हूँ गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठूँगा, अभी यहीं बैठूँगा बाहर, उतनी गर्मी नहीं है, पेड़ के नीचे तो छाया है। और हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि बाकी मॉडल्स का भी इंस्टा लिंक शेयर करो,
तो आप लास्ट वाले वीडियो में जाकर देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन पे ना जो अपना GICW का लास्ट डे वाला ब्लॉग है उसमें मैंने सबके तकरीबन सबके ही इंस्टा लिंक डाल दिया है। तो चलो यार जाता हूँ, पल्लवी का मैसेज आ गया, वो फ्री हो गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ इंडिया, कुछ खाएंगे वहाँ पे, और वो भी देखूंगा मैं यार जो अपना माइक्रोफोन के लिए मुझे लीड लेनी है ना जो कल खो गई थी, इसकी तो फिटिंग होगी, बैठी है शक्ल बना के, क्योंकि मैंने तो मना किया था कि नहीं घर चलते, क्योंकि मैंने ना भाई आज का ब्लॉग जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो लेट हो गया अभी तक, क्योंकि नेटवर्क नहीं है मेरे पास, और ये शक्ल बना के बैठी थी। क्या हुआ? क्या आइसक्रीम खिला दो मुझे, आइसक्रीम आइसक्रीम, वो ये उल्टा पुल्टा खा दिया सुबह मैंने, नहीं किया था वो जो छोले भटूरे और वो जो भी ऑर्डर किया था ना वो इसने किया था, मेरा काम नहीं था वो। बोला बता दे क्या बताने वाली थी, बताओ। मॉल तो फुल है, मॉल तो फुल है, ऐसे किसको समझ आएगी। तो यार हम लोग मॉल ऑफ इंडिया आए थे, लेकिन आगे देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, देख रहे हो साथ में जगह ही नहीं बिल्कुल, पार्किंग सारी फुल है मॉल की, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो सारे मॉल में ही आ गए मुझे लगता है। अब हम लोग सोच रहे कि इससे अच्छा हम लोग घर चले जाते हैं, तो वहीं पे सिलेक्ट सिटी वॉक चले जाएंगे, और लंच का भी देखते हैं, लंच भी करना था क्योंकि भूख लग रही है। कुछ खाकर तो आए थे हम वो भटूरे वगैरह, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया खाकर, वो सुबह खाए थे हमने, तुमने खाए थे, तुमने भी खाए थे, तुमने तो वो पाव भाजी खाई है, आधा भटूरा भी खाया तुमने। ट्रैफिक देखो गाइस कितना लगा है, कितना लंबा ट्रैफिक है। क्या कर रही है तुम? क्या है, जूते हैं मेरे और कुछ नहीं है। तो भाई चलो अब हम पहुंच गए अभी घर, तो अब हम लोग जा रहे हैं मॉल, सिलेक्ट सिटी मॉल। ना मैंने ब्लॉग रखा था यार अपलोडिंग के लिए, वो अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है, तो दो तीन मिनट के लिए घर के अंदर जाऊंगा, उसके बाद जाएंगे हम सीधा सिलेक्ट सिटी मॉल, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो हम दोनों आए मालवीय नगर मेन मार्केट सबसे पहले, क्योंकि मुझे अपना चेक डिपॉजिट करवाना था, और उसके बाद हम जाएंगे मिस्टर के में कुछ खाने। काम नहीं कर रही है, कब से मैं इसमें चेक डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, पता नहीं यहाँ पे ना कोई गार्ड है जिससे मैं पूछ सकता हूँ कि ये चल क्यों नहीं रही है। डिपॉजिट नहीं हो रहा यार चेक, मशीन वो चेक एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो चेक तो डिपॉजिट नहीं हो पाया, छोड़ो रहने दो कल करेंगे, क्या पता छुट्टी है तो चेक बॉक्स फुल भी हो सकता है। तो अभी खाना खाने चलते हैं। छोटू दादा, ये छोटू दादा, छोटू दादा नहीं हुआ, लंबी हुआ है मेरे सामने, तो तुम छोटू दादा हो ना। ब्रेसलेट नकली है ये तो, असली है वो। ओके सामने अपना मिस्टर के कोरियन रेमन। डाउट हो रहा है कि आज सारी चीज़ें ना हमारी हो नहीं रही है ठीक, क्या पता ये भी फुल हो आज, है लोग नहीं है, नहीं नहीं कम लोग है अभी भी। चिकन ड्रमस्टिक खाओगे तुम, अच्छा सा ऑर्डर करो अपने हिसाब से। ड्रिंक ऑर्डर की, ये वो सेम ड्रिंक नहीं है पल्लू, देख पी के नहीं है वो, मैं कह रहा हूँ ना नहीं है। ये क्या है? आप यार अगर आप लोगों को भी खाना है ना मालवीय नगर मेन मार्केट है, बस वहीं पे मिस्टर के डालना, आपको अपने आप लोकेशन आ जाएगी। एकदम भुखड़ की तरह खा रही हो जैसे कुछ कभी खाया ही नहीं है। बहुत दिनों से नहीं खाया यार। क्या? बहुत दिनों से नहीं खाया। कितना बढ़िया बना रखा है यार, देखा बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट इतना भर गया है, इसने तो खाया ही नहीं ना, तूने तो बिल्कुल भी नहीं खाया कुछ। कुछ गोलगप्पे खा ले क्या? गोलगप्पे नहीं खाने, सबसे पहले वो लेनी है मुझे मेरे माइक्रोफोन के लिए। देखो यार अंधेरा हो गया, हमें पूरा दिन निकल गया आज, लगता सब जगह बहुत भीड़ है, बहुत ही भीड़ है आज यार पूरा। यार भीड़ देखो कितनी भीड़ है पूरे मॉल में यार, फुल। क्या है ऐसा आज जो इतनी भीड़ है? गांधी जी का बर्थडे है। एप्पल स्टोर में भी देखो भीड़ कितनी है, भीड़ देखना भाई कितनी। यहाँ पे कौन जाएगा पल्लू? यहाँ पे ये वाला प्रो मैक्स है। लग रहा कुछ, ओ आया कोई समझ या नहीं? ये गाइस ये वाला देखो, ये एक ये चाहिए मुझे, एक ऑक्स जो मेरा खो गया था। पल्लवी अभी H&M में गई है, मैं थोड़ा काम से गया था बाहर,
देखता हूँ क्या कर रही है वो, शॉपिंग करने आ गई थी वो, एक तो कपड़े लेती है बहुत लेती हूँ। मुझे दिख गई आ रही है। ए पल्लू क्या क्या रिया तूने बता जरा, तुम तो ऐसे ही आई थी देखने। शाबाश, ये सिर्फ देखने आई थी कि तुम अपना काम कर लो, मैं बस क्या अच्छा सामान नहीं। तो इसमें क्या डाला तूने, सामान अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी खरीद रही है। इसको जब तुमने अपने लिए कुछ खरीदा तो मेरे लिए भी ले ही लो, मैं भी एक दो पजामे ले लेता हूँ, ठीक है। बच्चों के तो ले ले, मेरे को बच्चे कपड़े आ जाते हैं। इसको बच्चे वाले कपड़े भी आ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, अपने पास है भाई शैफी भाई जिंदाबाद, वहीं जाएंगे शैफी भाई के पास। यार आज मैंने सोचा था कि पूरा आराम करूंगा पूरा दिन, लेकिन आज भी वही हुआ क्योंकि कल रात में मैं सोया था आई थिंक 3 बजे, और सुबह फिर वही मेरी एक तो आदत है ना यार, 6 बजे आँख खुलती है, 6 बजे उठा, फिर उठ कर बैठ गया, फिर ब्लॉग एडिट करने लगा, ब्लॉग एडिट करने में टाइम लगा। होगी तुम्हारी शॉपिंग, तुम तो ऐसे आई थी देखने। हाँ शाबाश यार, तुम इतनी बड़ी लंबी लाइन में भी खड़ी रही है ना बिल करवाने के लिए, दिखाओ जरा शक्ल। देखो रात होगी, हम लोगों को आज बाहर बाहर ही, ये ले लो तुम ऊपर अपने लिए गुड डे। तुम कुछ खिलाते पिलाते हो? अभी थोड़ी देर पहले, ये घंटे पहले ये खा पी कर आई हो तुम, 1.5 घंटे में भूख हो रही तुम्हें इतनी जल्दी? देख के लगा तुम्हें मैंने कुछ खाया पिया है। तो चलो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। नहीं नहीं, मैं कुछ खाऊंगी पहले। क्या रही, हमें वो योगर्ट खाए नहीं तो घर पे जाकर, कौन सा योगर्ट था वो? अरे वो तक निकल जाता है। हाँ अब याद आ रही है मुझे, मैं कोको वेरी है ना, वो कोको वेरी से ऑर्डर करूँगा योगर्ट, बहुत ही टेस्टी होता है यार, वो मेरा फेवरेट है। आइसक्रीम उतनी मुझे पसंद नहीं है। ये है भुक्खड़, आइसक्रीम की भुक्खड़। वाह, पूछा तक नहीं इसने मुझे कि भाई तुम भी खाओगे या नहीं? नहीं खाऊंगा मैं, अब मैं खुद ऑर्डर करूंगा मैं। वाह, कितने की थी ये? 354 में पता कितनी आइसक्रीम आ जाती। अरे चलता है कभी कभी यार, इतने दिनों के बाद में। ठीक है मैं वो नहीं कह रहा हूँ, खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वैसे 354 रुपये में देखो कितनी सी डब्बी, चलो क्वालिटी होगी लेकिन क्वालिटी अपनी जगह, लेकिन हम तो भाई 5 रुपये की आइसक्रीम खाते, 2 रुपये की भी खाई हमने, 1 रुपये की भी खाई है मैंने। तो गोलगप्पे मिल रहे, गोलगप्पे खा के आते हैं। कितने दिन जिम जाएगी? ये फीस दे के आती है बस, 2 महीने की फीस देती हो तुम। रेगुलर होते हैं मेरे, 30 से 25 दिन तो शूट ही होता है। वो तो होते हैं भाई, वो नो डाउट, 1 महीने 25 दिन शूट करती है ये। कितने खाए तुमने? गिनता जा रहा हूँ मैं, 2। खाओ खाओ और खाओ, तो एक पीस मैं भी खा लेता हूँ। इसने देखो क्या क्या पैक करवाया तुमने, आलू टिक्की भी पैक करवा के आई है ये, मैं पानी लेने गया था। तेरे तो मजे लगे भाई, शाबाश। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।